हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसी टॉक। तो आज के सेशन में हम बात करते हैं हमारा यूपीसी का ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम है सागर एंड मैं यूपीसी टॉक पे एज ए एडुकेटर आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी की। तो सबसे पहले बहुत से एस्पिरेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि ये एंथ्रोपोलॉजी क्या है। इन दिनों मुझे टेलीग्राम पे बहुत से मुझे मैसेज आए कि हमें एंथ्रोपोलॉजी बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। हम एंथ्रोपोलॉजी में हिस्ट्री ऑफ मैन की स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैन इन एंशियंट सिविलाइजेशन, स्टडी ऑफ कल्चर, ह्यूमन स्टडी, ट्राइबल स्टडी, सोसाइटी और सोशल स्टडी, एंड इसमें 20% बायोलॉजिकल पार्ट रहता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 20% ही बायोलॉजी का पार्ट रहता है और उसमें भी जीन स्टडी, डीएनए, डिसीजेस, बस इतना ही रहता है। ये एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही एक सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है, ये जल्दी कवर हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी क्यों ले एज अ ऑप्शनल, क्योंकि इसका सिलेबस शॉर्ट रहता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग। इन 60 डे में एंथ्रोपोलॉजी हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अगर आप डेली के 2 या 3 घंटे भी पढ़ो तो 60 दिन में हमारा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा विद टेस्ट। एंड इसका मटेरियल इजीली हमें अवेलेबल होता है इंटरनेट पे, एंड फ्री भी मटेरियल मिलता है। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपको कभी भी बोर नहीं होने देंगे। जब आप भी इसको रीड करोगे तो आप कभी भी बोर नहीं होगे। एंड ये रियलिस्टिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। ये हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, लोग किस तरह से सोचते हैं, लोगों को क्या चाहिए, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड ये हमें ट्राइबल प्रॉब्लम की भी स्टडी कर रहे थे कि जो ट्राइब्स है हमारे, जो कल्चर है हमारा, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, हम इस पर क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर क्या सोल्यूशन कराएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट है ट्राइब्स के लिए, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है ट्राइब्स के लिए। तो ये सब हम एंथ्रोपोलॉजी में सीखते हैं एंड मैं कहता हूँ कि हम सबको एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स की। इसमें बहुत से एस्पिरेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स कौन सी ले, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत से मटेरियल अवेलेबल है। तो मैं आपके लिए एक सिंप्लीफाइड एंथ्रोपोलॉजी की बुक की लिस्ट लाया हूँ। तो चलिए बुक लिस्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एंथ्रोपोलॉजी की बुक स्टडी के बारे में बताते हैं। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप पीना यूज कर सकते हो। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप नदीम हसन यूज कर सकते हो। नदीम हसन आप ट्राइबल इंडिया के लिए भी यूज कर सकते हो। सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप मजुमदार यूज कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट के लिए आप गया पांडे। एंड जो एंथ्रो के जो बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट रहते हैं तो आप उसको इग्नू से आप रीड कर सकते हो। ये इग्नू आपको इजिली ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो मैंने बुक लिस्ट बताई है, ये आपको सबके सब इसमें से सबके सब चैप्टर्स नहीं पढ़ने। आपको अपना सिलेबस एंथ्रो का सामने रखना होगा एंड जो जो सिलेबस में पॉइंट है वो आपको इस बुक से रीड करने होंगे। ये सबके सबके पेजेस बुक के पढ़ने नहीं है, जो सिलेबस के रिलेवेंट है वही आपको पढ़ना है। ये हो गया हमारा एंथ्रो का। एंड वन इम्पोर्टेंट नोटिस है कि 1 जून से शाम के 6 बजे से मैं लाइव ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, वो भी एंथ्रो के एकदम फ्री। अगर जिसको भी ज्वाइन होना तो मुझे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए। एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई इसी वीडियो के नीचे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी एंथ्रो के लिए आप सब्सक्राइब हो जाइए एंड इस वीडियो को चैनल लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक यू।